BTS News Managing Director Mohammed Taufik. निशानदेही करके मुतालिक अहदेदारों से AMO से और डिप्टी कमिश्नर मैडम से बातचीत करके मुसलसिल एक हफ्ते से कोशिश की जा रही थी कि ये प्लाट के जिम्मेदारों से प्लाट के मालिकों से मुलाकात करें। वो नहीं की सूरत में GHMC की जानिब से गाड़ियों को तलब करके जो है बाबकैट के जरिए तकरीबन 25 से 30 लारी जो कचरा है जिसकी वजह से हज़ारों मच्छरों की अफजाइश हो रही और अतराफ अतनाफ के गरीब आवाम बे इंतहा परेशान थे, जिसकी वजह से आज मैं खुद ठहर कर ये तमाम गारबेज की निकासी का काम करवा रहा हूँ। और मैं GHMC के अहदेदारों से ख्वाहिश करूँगा कि ऐसे जितने भी ओपन प्लाट्स जो खरीद के छोड़ देते हैं और उसकी कोई निगहदाश्त नहीं, कचरे के अंबार पड़ जा रहे हैं, उन तमाम प्लाट ओनरों को GHMC की जानिब से नोटिस जारी करके ये कचरे की निकासी या वो खुद करें या GHMC की तरफ से फ़ाइन करते हुए वो कचरा निकाला जाए। क्योंकि हमारे शहर में इस वक्त वबाई अमराज का फैलाव है और आवाम बे इंतहा परेशान है। ऐसे में ये अफराद सिर्फ खरीद के ज़मीन छोड़ देना और उसके अंदर अतराफ अकनाफ और इधर उधर के लोग ला के कचरा डाल दे रहे हैं, किसी को रोकने से रुकते नहीं। लिहाजा अगर वो अपने प्लाट की सही तरीके से निगहदाश्त करते हैं, बाउंड्री सही तरीके से उठा लेते हैं, तो कोई एतराज़ नहीं। अगर उसमें कचरा जमा होता है उनकी गफलत और लापरवाही से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कचरे की जो हालत है, लिहाजा मैं उन तमाम मालिकान जायदाद से भी ख्वाहिश करूँगा कि जो प्लाट्स ओपन रख के छोड़ दिए हैं जिसमें कचरा, वो तो रहते नहीं लेकिन अतराफ अकनाफ में जो गरीब लोग रहते हैं वो बेइंतहा परेशान हैं मुख्तलिफ बीमारियों से। तो मैं जो आज ये काम किया हूँ इससे पुलिस को भी आगाह किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस प्लाट के ओनर फौरी इसकी हदबंदी कर लेंगे या फिर इसकी कोई भी इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन ये कचरे की निकासी के लिए अगर संजीदगी से अगर ये काम होने नहीं दिए तो मैं उनके खिलाफ़ भी जो है सो बल्दिया की तरफ से कानूनी कार्रवाई करवाऊँ। डाले ट्विटर पे डाले और सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दिए, आखिर तो मोबाइल ऐप्स में भी डाल दिए GHMC के मोबाइल ऐप्स पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक 10 डेज पहले साहब का ट्विटर अकाउंट मिल गया हमारे को, तो ऑन द स्पॉट जब ही उन्होंने को टैग करके डाले, उन्होंने ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स आया कि डोर नंबर क्या है, तो डोर नंबर दे देंगे। नाम नाम क्या है साहब का? साहब का बेग साहब, सलीम बेग साहब, सलीम बेग साहब का कॉर्पोरेटर सलीम बेग साहब का ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स आया हमारे को। और उन्होंने वही रात में रात के 11:30 बजे मुझे उन्होंने फ़ोन करके डोर नंबर पूछे और मोबाइल नंबर लिए, मेरा मोबाइल नंबर लेके सुबह आगे देख लिए, देख लेके एक 1 वीक के टाइम में गणेश चौथी रहने की वजह से थोड़ा रुका काम, बाद में 1 वीक के टाइम में परसों तो गणेश चौथी खत्म हो गई, आज से काम शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बेग साहब। हमारे को आज तक कितने ऑफिसरों को भाई ट्राई कर लिया, बहुत ऑफिसरों को ट्राई कर लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वो तो कोई खाली ट्विटर का ऑटोमेटिकल रिस्पॉन्स आता कि यू विल टेक केयर ऑफ योर ओके, बट आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स। बट सलीम बेग साहब का एक ही खाली एक ट्वीट पे काम हो गया बस। आप ट्वीट कर रहे थे सलीम बेग साहब को? हाँ, ट्वीट कर रहे थे। ट्वीट के ऊपर आपको आंसर मिला है? आंसर मिल गया, एक ट्वीट पे आंसर मिल गया मुझे बस। शुक्रिया साहब, सलीम बेग साहब।